आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर में दौरा होने वाला है। सीधा रुख करेंगे लोरमी की तरफ, तो लोरमी से हमारे संवाददाता योगेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? पुलिस आरक्षक रोहित सिंह परिहार अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था, जहां पर उसके जो प्रेमिका है, प्रेमिका के पति के द्वारा इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा गया था, जिसके बाद प्रेमिका के पति ने ताव में आकर आरक्षक पर प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसमें उसने हसीये से उसके गुप्तांग पर वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर अवस्था में शिक्षक नगर के मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा, जहां पर उस रिश्तेदार ने आरक्षक को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उसे का प्राथमिक उपचार करने के बाद आरक्षक रोहित सिंह परिहार को बिलासपुर अपोलो भर्ती कर दिया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुंगेली सिटी कोतवाली प्रभारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी आरक्षक की कंडीशन खतरे से बाहर है, स्टेबल है। वहीं उसके बयान के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। अभी तक इस मामले में न आरोपी पक्ष से न ही पीड़ित पक्ष से किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद अगर शिकायत दर्ज होती है उसके बाद ही आगे पुलिस खुलासा कर सकती है। वहीं अगर लोरमी विधानसभा के राजनीतिक गलियारों की बात करें, तो राजनीतिक गलियारों में खासकर टिकट को लेकर चर्चा है, आम लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस से किसको टिकट मिल सकता है, कि बीजेपी से किसको टिकट मिल सकता है। जिस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जानकारी मिली, गई सूत्रों से मिली जानकारी की यहाँ के जो 5 दावेदार है, करीबन 35 दावेदारों ने अपना दावेदारी पेश किया था, जिसमें से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा 5 दावेदारों की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दी गई है, जिसमें सागर सिंह बैस, लेखनी चंद्राकर, खुशबू वैष्णव, शोभा कश्यप और विद्यानंद चंद्राकर का नाम सामने आया है। इन 5 नाम में से किसी एक नाम पर सहमति बननी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की स्क्रीन कमेटी की बैठक भी कल हुई है, लेकिन अभी तक नामों पर फैसला नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं कसमस है यहाँ में, लोगों में उत्सुकता है कि टिकट आखिर किसको मिलना है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, तो लोरमी के वर्तमान विधायक धर्मजीत सिंह जब से बीजेपी में शामिल हुआ है, तो पूरा विधानसभा का समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा हुआ है कि लोरमी विधायक डॉक्टर धर्मजीत सिंह जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों से लोरमी विधानसभा में बीजेपी से साहू समाज को यहाँ पर टिकट दिया जाता रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो सकता है। अगर विधायक धर्मजीत सिंह को टिकट मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए विरोध भी देखा जा सकता है। जी जी योगेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।